हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो आज हमारा टॉपिक है इस सीरीज़ का कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो है आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों, ये होता क्या है? तो मैं अगर लिख दूँ आर्गुमेंट, शॉर्ट फॉर्म में से लिखूँगा ARG ऑफ जेड, इसका मीनिंग क्या है? मतलब कहीं भी जेड हो इस प्लेन में, आर्गुमेंट प्लेन में घूमेगा जेड, ये रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस में घूम रहा है, जेड समझो इधर है। अब इस जेड को मैं इधर ज्वाइन कर दिया। किससे ज्वाइन किया? ओरिजिन से। सीधी लाइन आई है, धोखा मत खाना। जेड को मैंने ओरिजिन ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल होता है ना, ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये जो थीटा है किससे लिया? पॉजिटिव रियल एक्सिस से, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया, ऐसे लिया, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग गिनते हैं। तो ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का कॉन्सेप्ट क्या है? जेड कहीं भी हो, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो और पॉजिटिव से गिनो, तो वो होता है। मतलब जेड अगर मान लो इधर होता तो ये ऐसा होता, इधर होता तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाता। ठीक है, मतलब ये मान लो जेड वन है और ये थीटा वन है, तो थीटा वन क्या होता? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन हो जाता। तो बेसिक फंडा यही है हमारा। अब इसमें एक बात है कि एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट में ये फ़र्क है कि मैं अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की बात करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा प्लस 2n पाई, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब एन अगर 0 हो तो मेरे को थीटा मिलेगा, एन अगर 1 हो तो थीटा प्लस 2 पाई होगा। तो क्या यहाँ से थीटा गया फिर 2 पाई घूम के आया तो इधर ही पहुँच जाएगा, या तो यहाँ से 2 पाई गया फिर ऐसा घुमा थीटा तो यही पहुंच जाएगा। अगर मैं एन को 2 ले लूँ तो 4 पाई हो जाएगा, 2 बार घूम के आएगा। एन को अगर -1 ले लूँ तो पीछे से घूम के आएगा उल्टा, क्योंकि -2 पाई मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा, और फिर प्लस थीटा, तो थीटा -2 पाई भी मेरे को यही लेके आने वाला है। समझ में ये बात? तो ये जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, एक सिंगल वैल्यू नहीं देता है, ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है, इसकी इन्फाइनाइट वैल्यूज होती है। मैनी वैल्यूड फंक्शन मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की यूनिक वैल्यू नहीं है, पाई बाय 4 भी है। मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस i में बोल दूँ तो ये पाई बाय 4 है, बच्चा बच्चा जानता है ना, ये 1,1 1 प्लस i, मतलब इसको ऐसे ज्वाइन किया, ये 1 है ये 1 है, तो ये पाई बाय 4 ही होना है ना। तो बच्चों ये पाई बाय 4 नहीं है, 2n π + π4 आर्ग्यूमेंट। पाई 4 भी ले तो गलत नहीं है, 2π + π4 भी ले तो गलत नहीं है, 2π - 2π + π4 भी ले तो गलत नहीं है, 100π + π4 लिए तो भी गलत नहीं है। तो मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मतलब आर्ग्यूमेंट जो कॉन्सेप्ट है, एक यूनिक वैल्यू देता है, वो मैनी वैल्यूड फंक्शन है, बहुत सारे इन्फिनिट वैल्यूज देता है। लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में हम लोग यही आर्ग्यूमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगर है तो हमारा थीटा सिर्फ -π से पाई के बीच में रहेगा। 0 से π यहाँ से यहाँ तक गया, ये पूरा एरिया कवर हो गया, और 0 से -π में ये पूरा एरिया गया, क्योंकि इसने पूरा पाए ले चुका है, ये इधर इंक्लूडेड है, ये पाए इंक्लूडेड होता है, तो -π नहीं इंक्लूड होता है, क्योंकि ये पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसका आर्ग्यूमेंट पाए रहेगा, तो -π वही वही पहुँचा रहा है, तो हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते। तो बच्चों ये पूरा एरिया कवर हो गया, इसमें इसमें भी कवर हो जाता है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? सिंगल वैल्यू फंक्शन होता है, इसमें तुमको सिंगल वैल्यू मिलेंगी, सिंगल वैल्यू फंक्शन। तो हम लोग हर चीज़ का प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालेंगे जनरली। और क्वेश्चन में अगर मान लो फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट सेम होते हैं। एम्पलीट्यूड का पूछा तो भी तुम प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही निकालोगे। तो बच्चों ये होता है, ये मैनी वैल्यूड होता है, वो सिंगल वैल्यू होता है, हम लोग उस पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि ये तो ईजी चीज़ है, हर चीज़ को -π से पाई के बीच में कैसे रखें। तो मैं मेथड बताता हूँ कि कैसे तुम लोग हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट चेक कर सकते हो। बच्चों जैसे कि मान लो कि अगर मैं z इक्वल टू 1 + i की बात करूँ, तो लॉजिकली अगर तुम देखो तो ये x + iy होता है, और ये एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस तो हम बच्चा बच्चा जानता है वाई होता है, ये क्या होता है? एक्स होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? वाई बाय एक्स हो गया। तो थीटा क्या हो गया? टेन वर्स ऑफ वाई बाय एक्स। तो मतलब जेड, ये जेड है राइट, ये जेड है, तो थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है? टेन वर्स ऑफ वाई बाय एक्स। तो जनरली तो ये बात सही है,
कि टेन वर्स ऑफ एक्स वाई बाई एक्स ही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, मीन जेड इज एक्स प्लस आई वाई। लेकिन बच्चों से ना ये फॉर मेथड हर बार पास नहीं होता, फेल भी हो जाता है। जैसे कि अगर तुम देखो वन प्लस आई की बात करूँ तो ये इधर पड़ा है, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन वर्स ऑफ वाई बाई एक्स, वाई की जगह कौन है वाई बाई एक्स है ना, वाई की जगह क्या है इसके बाद से कुछ नहीं मतलब वन है, वन बाय वन हो गया, एक्स की जगह क्या है वन, तो थीटा क्या मिला तुमको पाई बाय फोर। तो ठीक है हमको सही मिल गया बाई चांस, लेकिन ये हर बार सही नहीं रहता ये बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जेड इक्वल टू होता है माइनस वन माइनस आई, ओके तो देखो ये माइनस एक्स क्या है माइनस वन, वाई क्या है वो भी माइनस वन है, तो इधर क्या जाएगा माइनस वन कॉमा माइनस वन, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख देते हैं। तो इसको यहाँ से ज्वाइन किया तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, ऐसा घुमा के इधर लाऊंगा क्योंकि मेरे को पॉजिटिव रिएक्शन से शुरू करना है बराबर, या तो ऐसा लाऊंगा तो मैं इधर से लेके आ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ और इस ये फॉर्मूला लगाऊँ तो टेन वर्स ऑफ वाई 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 क्या अपना माइनस वन अपॉन एक्स क्या है वो भी माइनस वन है, तो दिस इज नथिंग बट टेन वर्स ऑफ वन विच इज ऑल्सो पाई बाय फोर। तो बच्चों क्या ये पाई बाय फोर है, नहीं ये क्या है पाई प्लस पाई बाय फोर है, तो आंसर गलत आया ना। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करते, तो हम लोग अल्फा की मदद लेते हैं। अब अल्फा है क्या, अल्फा क्या होता है देखो, अल्फा इज टेन इनवर्स ऑफ मॉड वाई बाय मॉड एक्स, क्योंकि बच्चों ये जो डिस्टेंस होती है वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वाई रहेंगी मॉड वाई वाई रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में भी मॉड वाई वाई रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में वाई मतलब पॉइंट ले लो अगर माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री, तो ये वाई फोर है मॉड माइनस फोर नहीं है वाई, और एक्स थ्री है माइनस थ्री नहीं है, तो इस पर मॉड लगा देना पड़ेगा। तो एक्चुअल में डिस्टेंस जो होती है ना वो मॉड बाय मॉड एक्स होती है, तो हम अल्फा से पहले ना एक्चुअली डिस्टेंस के हिसाब से निकाल लेते अल्फा निकालते, तो y पॉजिटिव है नेगेटिव है x पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग मॉड बाय मॉड अल्फा x निकाल लेते हैं, उससे हमको अल्फा मिलता है। और हम लोग क्वेश्चन को देख के पहचान सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे 1 प्लस आई फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, माइनस वन माइनस आई दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो सेकंड या फोर्थ में जाएगा, वो हम लोग पहचान सकते हैं। तो मान लो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और हमारा आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो थीटा हमारा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, क्योंकि मॉड वाई बाय मॉड एक्स के इक्वल ही टेन वर्स ऑफ मॉड वाई बाय मॉड एक्स के इक्वल ही हमारा आर्ग्यूमेंट रहेगा। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा, तो अल्फा जो हमको दे रहा है ये अल्फा मिल रहा था इस केस में ये दूरी अपॉन ये, तो टेन वर्स ऑफ दिस अपॉन दिस विल बी दिस अल्फा, अल्फा ये मिलेगा। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जेड है तो है ना थीटा मेरे को मिलेगा यहाँ से गिना यहाँ तक, ये पूरा पाए था पाए माइनस अल्फा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मिला बच्चों पाए माइनस अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिला अल्फा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाओ तो ये अल्फा देगा मेरे को, ये जो चीज़ है ये देंगी क्योंकि डिस्टेंस दिस डिस्टेंस। तो बच्चों मैं पाए प्लस अल्फा लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा फिर वो, क्योंकि पाए से बड़ा नहीं होता है आर्ग्यूमेंट, तो मेरे को उल्टा गिनना पड़ेगा ऐसा। अब देखो बच्चों अगर मैंने पूरा ऐसा गिन लिया पूरा ऐसा गिन लेता तो माइनस पाए हो जाता, लेकिन फिर मैं इसको उल्टा ऐसा गिनता प्लस अल्फा करना पड़ता। तो बच्चों थीटा इक्वल टू क्या है माइनस पाए प्लस अल्फा, देखो ये पूरा माइनस पाए है प्लस अल्फा करता तो मेरे को ये मिलता, अगर माइनस अल्फा कर दूंगा तो माइनस पाए माइनस अल्फा, फिर बच्चों ऐसा हो जाता है इधर चल जाता, माइनस पाए ऐसा गया प्लस अल्फा, तो माइनस पाए प्लस अल्फा कन्फ्यूजन होता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस पाए प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो थीटा मेरा माइनस अल्फा होता है क्योंकि ऐसा गिनूंगा और ये अल्फा अल्फा तो यही रहने वाला इतना बड़ा पार्ट, तो माइनस अल्फा होता है। तो बच्चों तुमको है ना याद रखना पड़ेगा थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट के माइनस पाई प्लस अल्फा। तो बच्चों ये एकदम पक्का पानी याद रखना पड़ेगा। अब मैं इस पर एग्जाम्पल देता हूँ, तो बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ईजी क्वेश्चन है लेकिन कराना तो जरूरी है यार। तो फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ये सब है, पहला वाला देखो। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है वो रूट थ्री प्लस आई रूट थ्री है, तो डराने के लिए वो सब तुमको
अगर तुम क्वाड्रेंट डिसाइड करो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इसका एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया, बराबर, थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी, टेन वर्स ऑफ मॉड वाई बाय मॉड एक्स। अब मॉड वाई क्या है, मॉड वाई मतलब वाई क्या है, रूट थ्री है, और ये भी क्या है, रूट थ्री है, तो मॉड डायरेक्ट हट गया, तो सब कैंसिल हो जा रहा है ऊपर नीचे का, वैसे टेन वर्स ऑफ वन विच इज़ पाई बाय फोर, तो आंसर क्या है, थीटा इक्वल टू अल्फा विच इज पाई बाय फोर। तो ये तो आसान था, ठीक है। सेम लास्ट क्वेश्चन था, वन प्लस आया वजह सा। अभी देखो ये क्वेश्चन को देख लो एक बार, सेकंड क्वेश्चन की बात करो तो बच्चों, इसका x नेगेटिव है, इसका y पॉजिटिव है। x नेगेटिव है मतलब ये साइड में, और y पॉजिटिव मतलब ये साइड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तुमने याद किए होंगे, अगर थोड़ी देर पहले पढ़ा वैसे, कि पाई माइनस अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है, और अल्फा तो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, अल्फा तो फिक्स है, और वो है मॉड वाई बाय मॉड एक्स। तो अपना मॉड वाई क्या है, अपना वाई क्या है बेसिकली, रूट थ्री, और अपना एक्स क्या है, माइनस थ्री। तो बच्चों मॉड ने अपना काम किया और इनके नेगेटिव को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, टेन वर्स ऑफ वन बाय रूट थ्री हो गया, क्योंकि थ्री को रूट थ्री इंटू रूट थ्री लेंगे, एक रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, पाई बाय सिक्स, क्योंकि टेन वर्स ऑफ वन बाय रूट थ्री पाई बाय सिक्स होता है थर्टी, राइट। तो बच्चों लेकिन ये तुमको क्या मिला, अल्फा मिला, और तुमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, तो थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, पाई माइनस पाई बाय सिक्स विच इज पाई पाई बाय सिक्स। तो बच्चों ये हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन अगर देखें तो टू है, तो बच्चों बोलेंगे सर इसका आई जीरो है। देखो एक बात याद रखो, जो भी मैंने तुमको जो पढ़ा ना, थीटा वीटा अल्फा वाली बातें, वो सिर्फ क्वाड्रेंट के लिए, एक्सिस के लिए मत यूज करो उसको। ये कहाँ पढ़ा है, टू, टू यहाँ है ना, तो इसका थीटा क्या है, मतलब तुमको इधर से उठना ही नहीं पड़ रहा, आगे जाएंगे तो मिलेगा ना, तो थीटा क्या है इसका, थीटा जीरो है, खत्म, थीटा जीरो है। अब माइनस थ्री की अगर बात करो तो माइनस थ्री का पढ़ा है, इधर पढ़ा है ना, माइनस थ्री प्लस आई जीरो, तो इसका थीटा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक खींच के लेके जाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस शुरू करते हैं, तो क्या है, पाई, एज सिंपल एज दैट। अच्छा वन माइनस रूट थ्री का कौन बताएगा, वन माइनस रूट थ्री का कौन बताएगा बच्चों, ये रियल है, हाँ यार ये रियल है, आई का टर्म है नहीं, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं, इधर करूँ क्या इधर करूँ, यही कन्फ्यूजन है बस इसमें कि इधर आएंगा, क्योंकि रूट थ्री इज ग्रेटर देन वन, तो वन माइनस रूट थ्री इज नेगेटिव, तो इधर आया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ वन माइनस रूट थ्री क्या है, पाए, जीरो नहीं है, बच्चे जो जोश मार के जीरो लिख देते। देन अब देखो सिक्स को, ये फिफ्थ था ना, तो मुझे थोड़ा इजी वाले स्पीड में करा रहा हूँ, ये थ्री आए, तो ये भी एक्सिस पे, क्योंकि इसका ये जीरो है, तो ये पॉइंट कहाँ पर है, जीरो कॉमा थ्री, तो ये क्या है, ये 90 डिग्री, यहाँ से गिनते हैं ना, तो थीटा क्या है, पाई बाई टू, और लास्ट माइनस आए, तुम लोग सबने सही बोल दिए, इधर आएगा, क्योंकि जीरो कॉमा माइनस वन है पॉइंट, और ये कितना है, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। तो बच्चे बस वो जो बातें भी थी अल्फा थीटा वाली, उस पर एग्जाम्पल लेना जरूरी था, एग्जाम्पल को देख लो, और इस पर मुश्किल एग्जाम्पल भी बनते हैं, मतलब इतने अच्छे जो पैर पैर नहीं होते, वो हम लोग है ना पोलर कोऑर्डिनेट जब पोलर फॉर्म जब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसमें अच्छे क्वेश्चन लेंगे आर्ग्यूमेंट के भी और मॉडुलस के भी, कैसे फाइंड करने के एप्लीकेशन वाले, जिसमें प्रॉपर्टीज भी लेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना काफ़ी, नेक्स्ट में हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा का लोकस देखते हैं। थैंक यू।